ये जो राष्ट्र शब्द है इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः हम नेशन का भाषांतर राष्ट्र करके फिर उसका विचार करते हैं, लेकिन पाश्चिमात्य देशों में नेशन का विकास और हमारे देश में राष्ट्र का विकास, इसका विकास क्रम एकदम अलग है। मनुष्य एक दुर्बल प्राणी है, इतना दुर्बल है कि उसके पास उसकी बुद्धि को अगर छोड़ दिया तो फिर एक मच्छर भी उसको परेशान कर सकता है और मार भी सकता है, ये हम जानते हैं। इसलिए मनुष्य ने सदैव आवश्यकता समझी है कि हमको इस दुनिया में जीना है तो मिलकर रहना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में से समूह बने, कबीले बने, फिर जब ये भटकने वाली जीवन की अवस्था को छोड़कर एक जगह वो स्थायी होने लगे तो गांव बसे। अब जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ मिलना है भूमि से मिलना है तो अपने मालकियत की भूमि चाहिए, तो हमारे अधिकार की भूमि, ऐसा शब्द प्रयोग होना पड़ा। अब हमारे अधिकार की है किसके, 25 लोगों के अधिकार भूमि, तो बाद में पास में पड़ोस में 50 लोगों का गांव है तो इनको जीत लेगा। इसलिए बड़ा सा बड़ा समूह बनाओ और अपने मालकियत का बड़ा सा बड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में रखो, ये मनुष्य के जीवन के बचाव के लिए की आवश्यकता वहां समझेगी। सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसका अनुभव उनको हुआ।